जिन्होंने जहां जहां चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का बखान करना होता था और सरकारें कोई भी रही, मुझे अच्छी तरह याद है भूपेंद्र युग पुरुष स्वर्गीय ताऊ देवीलाल का खून है रगों में। हम संघर्ष की हिम्मत रखते हैं, छोड़ दो इरादे खरीदने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का उनके पैतृक गांव चौटाला में नागरिक अभिनंदन समारोह किया गया, जहां गांव के लोगों ने दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भी मौजूद थे। हैरानी की बात है कि दुष्यंत चौटाला ने इनेलो के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन अभिनंदन समारोह में दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल के साथ साथ इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के नारे लगवाए। मंच के माध्यम से दुष्यंत चौटाला ने वायदों की छड़ी लगा दी। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने बिचौलियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आप लोगों को कोई भी काम हो तो सीधा मेरे से संपर्क करें, डिप्टी सीएम के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं, वाईजी के रिवाज को खत्म करो। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट और देखिए बोल मंच के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या क्या कहा। जननायक जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता और आज मैं पार्टी लाइन ऊपर उठकर, क्योंकि आज एक बात मेरी सुन जाओ, चौटाला साहब का नारा जरूर लगाओ। मैं तो ये मानता हूं कि जैसे चिड़िया घोंसले से अपने बच्चों को घेरती है कि वो उड़ना सीख जाए, मुझे लगता है इस कठिन दौर के अंदर चौटाला साहब ने भी ये निर्णय इसलिए लिया कि मैं दिग्विजय ये संगठन फिर उभर कर इस प्रदेश की सेवा में उठे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, राम चौटाला जिंदाबाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर एक गांव से मैं आग्रह और अपील भी करूंगा, थोड़ी इमोशनल सी चीज है। जब इस स्टेडियम की बात करें तो मैंने पूछवाया भी किसी के नाम पर तो नहीं है, तो कहा मिनी स्टेडियम कह देते हैं, पंचायत रिकॉर्ड में भी स्टेडियम है। मैं ये आग्रह करूंगा कि ग्राम पंचायत रेजोल्यूशन कर मेरी दादी जी के नाम पर इस स्टेडियम को रखने का। साथियों, जहां पूरे देश की बात है, इस गांव का एक अपना महत्व है, इस गांव की एक अपनी ताकत है और पूरी दुनिया में मैं मानता हूं कि दो चीज इस गांव की फेमस है, पहली चौधरी देवीलाल और दूसरा चौटाला।
आज हम बात करें गांव की, तो मेरे ख्याल से पहली चीज इस गांव में देखने को मिलती है कि जात पात से ऊपर उठ के सारे पीछे चौटाला जरूर लिखते हैं, और इस चीज को हमें संभाल के आगे लेके जाना है। चौधरी देवीलाल जी एक ऐसा हमारे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ कर गए हैं जिसको आगे ले जाने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, और उसको देखते हुए आगे ले जाते हुए मैं तो चाहूंगा कि हमारा गांव पूरा एक विचार के साथ कैसे चौधरी देवीलाल जी के उस सपने को, जब वो कहते थे कि गांव वालों को बोलना सीखना चाहिए, आगे ले जाया उनने। इसलिए दवाली के लिए तो मैं आज एक खुशखबरी दे दूंगा, मैं जब डिप्टी सीएम बना तो मैंने एक आग्रह मुख्यमंत्री जी से किया कि पन्नियाड़ा मोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार एडमिशन बहुत कम हुए, और इस पूरे टाइम के अंदर दिन प्रतिदिन हमारा वो एक ही कॉलेज है, उसके अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और मेरे को ये सुनने में आया था चुनाव से पहले कि पन्नियाड़ा मोटा कॉलेज को ये शायद सिरसा शिफ्ट कर बंद भी कर दे, मगर मैं धन्यवाद करूंगा मनोहर लाल खट्टर जी का कि आज जब मैं गांव आ रहा था तो एक खुशखबरी भी मेरे को संदेश के तौर पर आई कि हरियाणा का पहला मॉडल ट्रेनिंग सेंटर स्किल डेवलपमेंट का पन्नियाड़ा मोटा कॉलेज के अंदर हम लोग। तो साथियों, ऐसी कोई भी चीज आपके मन में हो, मेरे सामने एक चीज आई दिग्विजय सिंह की तरफ से, और मेरे ख्याल से सबकी बहुत लंबे समय से मांग है कि हमारी बेटियों के लिए इस पूरे इलाके में कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगले 5 साल के अंदर अंदर गांव जमीन देता है तो वुमेन कॉलेज की स्थापना हम यहां पर कराने वाले हैं। और आप सबसे भी निवेदन है, जो जो साथी जुड़ता चला इस सफर के अंदर, पहले जब शुरुआत करी जेजेपी में तो कई लोग कहते गांव का डर है जी, कहता है नहीं कहता, बता दो आज आजादी सी महसूस हुई, डरन की जरूरत को नहीं। एक वादो थारू करके जाऊंगा, मेरे सामने आओ कोई भी काम लेकर, सिर्फ बोल दियो चौटाला गांव को कोई भाई जी ने ना ले। एक रही है भी भाई जी की हाजिरी मारो, भी भाई जी की हाजिरी मारो, जब तक हाजिरी मारता मारता खत्म होगा तो भाई जी आपनो काम करा दे, थाने पीछे छोड़ दे। मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं कि भाई जिया पर रिवाज खत्म कर दो, थे गांव गाओ थारो अधिकार मेरे पर उतनो ये जितनो डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी। स्थानीय विधायक अमित जी से भी निवेदन करूंगा, मेरे चाचो भी लागे, कि कोई काम हो गांव को हल्के गो हक के साथ आगे मने बताओ, जितनों भी मेरू होगा पार्टी लाइन बियॉन्ड जाकर सरकार बनकर थारी जिम्मेवारी ने पूरी तौर पर निभाने को मैं काम करूंगा। जैसे सीवरेज व्यवस्था की, अगर पूरा गांव चाहेगा, प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं केंद्र सरकार से, ये वादा मैं करता हूँ, अगर गांव की सहमति होगी इसके अंदर तो पूरे गांव के अंदर सीवरेज की पाइपलाइन और सीवरेज सिस्टम पूरा करवाने का काम। एक चीज जरूर ऐतिहासिक है, धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई है, ये अपना तालाब, और इसकी व्यवस्था जब मैं पिछली बार गाँव में आया था देखा था तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। अपने गांव वाली डिग्गी की भी हालत वैसी है। मैं तो गांव से आग्रह करूंगा कि रेजोल्यूशन मेरे पास भिजवा दे पंचायती राज, क्योंकि महकमा मेरे पास है, इस पे तुरंत प्रभाव से काम शुरू कराने का काम है। जहां बस स्टैंड की बात थी, बहुत लोगों ने कहा कि बस तो सीधी चली जाए जी, अंदर आवे ही को नहीं गांव में, बस स्टैंड वारो बाहर करा दो। मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक कराया,
तो हमारे बाहर वाली तरफ कोई भी पंचायत की जमीन नहीं है। गांव आपसी सहमति कर ले, अगर कोई भी हाईवे पर लगता हुआ किला इस बस स्टैंड के बदले में देना चाहेगा, मैं देख लूंगा प्रोसेस क्या, अदला बदली करा के बस स्टैंड को आगे ले जाने के लिए जो खर्चा है वो मेरी डिस्क्रिशन ग्रांट से मैं दे के इस बस स्टैंड की व्यवस्था को सुधारने का काम करें। जहां हमारे इस छोटे स्टेडियम की बात है, डेढ़ एक साल पहले मेरे को आने का मौका मिला था जब वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हुआ था, और उसके बाद मैं घर गया तो पुरानी फोटोएं निकली बड़े चोई साहब की, जब बड़े चोई साहब यहां वॉलीबॉल की टूर्नामेंट बारी बारी कराया करते थे, और कई बार तो ऐसी हालत हुई देश भर की टीमें हमारे गांव में आके रुक के यहां वॉलीबॉल खेल के जाया करते, मगर इस स्टेडियम की हालत क्योंकि साइज भी जितना है व्यवस्था जितनी है उसमें सुधार की जरूरत है। बड़ा स्टेडियम तो सुधारना है ही है, इसको भी सुधारने की जरूरत है। तो एक निवेदन मेरा है कि इसका रेजोल्यूशन मेरे को भिजवाओ, इसको इंडोर स्टेडियम जिसमें छत लग के प्रॉपर हम बना पाए वैसी व्यवस्था बनाने का हम प्रयास करेंगे, जिससे गांव के अंदर वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चों को इंडोर की व्यवस्था, क्योंकि दुनिया भर के अंदर वॉलीबॉल इंडोर खेला जाता है, अपना ही देश है जो आज भी माटी पर खेल रहा है, मगर उसको मॉडर्न करने के लिए मैं संदीप सिंह जी जो मेरे कंसर्न साथी हैं डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं उनको भी कहूंगा कि गांव का दौरा भी करें, और इसके अंदर गांव की सहमति होगी तो जैसे हर जोन के अंदर एक गेम को आगे ले जाकर बढ़ा रहे हैं, सरकार का ये विजन है कि सरकार जोन बनाए, जैसे हमारे जीवन नगर का है तो हॉकी का बनेगा, उसी चीज को आगे ले जाते हुए मेरी खुद की दिल की इच्छा है कि हम गांव के अंदर वॉलीबॉल की नेशनल लेवल की एक अकेडमी खोले, जिससे हमारे पूरे प्रदेश भर के बच्चे आकर भी यहाँ खेल कर जाए।